राहुल क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर आप काम करने आए थे? यहाँ पर काम कर रहे थे, पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा है, जो पैसा नहीं मिल रहा है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। जो पैसा जो हम लोगों को देना था, मालिक ने बोला था, जो हम लोगों को लेके आया उसको पैसा दे दिया, सारे पैसे। अभी आठ महीने हो गया, अभी 5,000 रुपये मिला, बाकी नहीं मिला। जसलीन क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पे मजबूरी में काम करना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता है, रुपया भी नहीं मिला, 5-6 महीना हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला। कहाँ पे कर रहे थे आप? साहिल प्लाजा होटल में। हाँ। कितने समय से काम कर रहे थे? मेरे अप्रैल महीने से काम कर रहे हैं। अप्रैल से आज तक कितने पैसे मिले आपको? एक रुपया भी नहीं मिला। तो टीम आई है आपको वहाँ से, उन्होंने छुड़ाया है, तो अब कहाँ जाओगे आप? हम घर जाओगे। तो क्या आपसे जबरदस्ती यहाँ पे काम करवाया? जबरदस्ती काम करवाया। मारपीट भी करते थे आपके साथ? जोर से बोलना है, ठीक है? आपका अमरजीत, आप कहाँ से आए और यहाँ पर कहाँ काम करते थे? रायपुर में काम करता है। आए कहाँ से हो आप? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से क्या काम करते थे जहाँ पे? होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। तो क्या आपसे वहाँ पर जबरदस्ती काम लिया जाता था? जबरदस्ती काम करता है, अगर नहीं करना तो करना पड़ता है, ऐसा काम है। तो क्या पैसे देते थे आपको? नहीं देता है। पैसे नहीं देते थे? अच्छा, कितने समय से थे यहाँ पे? यहाँ पे मैं जनवरी 26 में आया था। तो अब जैसे ये टीम आई है, उन्होंने आपको यहाँ से छुड़ाया है, तो क्या आपको लगता है कि अब आगे आपको कहीं काम करवाएंगे? जी यहाँ पर आज आपने कई बच्चों को छुड़ाया है, कितने बच्चे हैं और क्या पूरा मामला है बताएंगे? सबसे पहले तो हम चिलेड़ा गए थे, जो होटल साहिल राजा है, वहाँ पर दो मजदूर जो थे वहाँ पर बंधुआ थे, ना ही उनको टाइम से खाना दिया जाता था, ना ही उनको आज तक कोई वेतन दिया गया। जो किसी ठेकेदार के द्वारा आए गए हैं, वो ही ठेकेदार को पैसे देते थे, लेकिन इन मजदूरों को कोई पैसा नहीं दिया गया। किसी को 5,000 रुपया दिया शुरू में एक बार, टोटल दो साल में या किसी में साल हुआ है तो प्रॉपर किसी को ना पैसा दिया गया है। मेरे को घर जाना है तो उससे मारपीट नहीं की। तो सर अब ये जो बच्चे आपने छुड़वाए हैं, ये कुल कितने बच्चे हैं? टोटल तो 12 हैं, दो हमारे चिलेड़ा से हुए, 5 हमने रायपुर मैदान से किए हैं, जो 5 है वो जो बैलाडा है, बड़ाड़ा भी कहते, उसे फार्म हाउस है जहाँ पर उन्होंने मुर्गी पालन का काम किया हुआ था, और उनसे वो लोडिंग अनलोडिंग और उनको फीड का सारा काम सवेरे 7 बजे से लेके रात को 10-10 बजे तक भी इनसे काम है। अब ये जो बच्चे हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, अब इनको आगे कहाँ पहुँचाया जाएगा? हम जहाँ से इनको एजुम साहब से रिलीज जैसे ही करेंगे, फिर इनको दिल्ली पहुँचाया जाएगा। दिल्ली से वहाँ पर जो कमिश्नर होंगे वहाँ पेश किया जाएगा दिल्ली में, फिर वहाँ कमिश्नर जी आगे जो है वो बंदोबस्त करेंगे, जहाँ से जो पुलिस शेल्टर में जाया जाएगा, हिमाचल पुलिस इनको शेल्टर देगी और दिल्ली तक, दिल्ली से आगे जो त्रिपुरा जहाँ शाम जहाँ जहाँ भी लोग जाने जाएंगे वहाँ पर दिल्ली पुलिस उनको। पूरी कार्रवाई की गई है, 12 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया है, ये क्या पूरा मामला था और क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, देश में अभी हाल ही यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया, पूरे देश में धमाका मचा है, तहलका मचा है कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर, जहां कहा जा रहा है कि आईएलओ जो श्रम के नाम में पूरे देश के अंदर एक सर्वोच्च संगठन है, वो कह रहा है कि हमारे देश में 21 मिलियन लोग गुलामी के शिकार हैं। वहीं भारत में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई राज्य कहता है कि मेरे देश में बंधुआ नहीं, मेरे देश में कोई गुलाम नहीं, परंतु ये सरासर झूठ है।
हर राज्य के अंदर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ये निर्भर करता है प्रशासन के ऊपर, निर्भर करता है जन संगठनों के ऊपर और निर्भर करता है हमारे यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कि वो उस मामले को कितनी संवेदनशीलता के साथ में रहते हैं लेते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही मामला नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरिडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के पास में आया और ये पता चला कि कुछ बंधुआ मजदूरों से यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। ये तमाम मजदूर हैं जो कि प्रवासी मजदूर हैं, ये तमाम मजदूर हैं जो कि मजबूर होकर अपने राज्य से ऊना डिस्ट्रिक्ट में अपना पेट भरने के लिए अपने परिवार के लिए। ये तमाम मजदूर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ कहेंगे आसाम है, गुवाहाटी है, अलग अलग त्रिपुरा है, इन तमाम सेवन सिस्टर्स जो स्टेट है वहां से ये भूखमरी के कारण काम की तलाश में ऊना डिस्ट्रिक्ट में आए। इन्होंने सोचा कि हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं जहाँ की हमको अच्छी मजदूरी मिलेगी, हमको अच्छा काम मिलेगा और उसका दाम मिलेगा। परंतु जो इनको लेके आया उन्होंने इनको मानव तस्करी का शिकार बनाया, झांसा दिया, धोखा दिया और यहाँ लाकर उनको एक ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ शायद पंछी परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था। हमने जब यहाँ तीन जगह रेड किया, यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमारे शिकायत पत्र पर पूरी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए मैं कैंपेन कमेटी की तरफ से, एचआरएलएन की तरफ से उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे यहाँ के कॉमरेड जो कि हमारे साथ में है कर्नल सिंह, इन्होंने भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कल पूरा रात के 11 बजे तक रेड पर हमारे साथ में रहे। हम जब तीन जगह यहाँ पर रेड की, पहला रेड जो हमारा साहिल प्लाजा होटल में था जहाँ पर की तीन बंधुआ मजदूर पाए गए थे, उनमें से दो बंधुआ मजदूर साथ चलने के लिए तैयार थे। एक बंधुआ मजदूर उसका ब्रेन वॉश किया गया था जिसकी वजह से वो डर रहा था और उसको लग रहा था कि मुझे कुछ मजदूरी दे देगा मालिक, परंतु वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो अभी उसी जगह पर है। फिर भी मैं इस चीज के लिए मैं चुनौती देता हूँ कि वो भी एक बंधुआ मजदूर है, उसको भी निकालने की जरूरत है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। अगला जो रेड हुआ था वो रेड हुआ था होटल सिरोक के अंदर जहाँ पर पांच बंधुआ मजदूरों को निकाला गया। इसके पश्चात अंतिम में जो रेड किया गया जो काफी रात हो चुकी थी और वो रेड हुआ था बडाला हुआ था और उसमें लकी फार्म हाउस था जहाँ की मुर्गी पालन में बंधुआ बाल मजदूरों को रखा गया था और वहां पर मालिक आने नहीं दे रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद वो यहाँ के नायब तहसीलदार को भी चुनौती दे रहे थे कि आप मुझे लिख के दीजिए, बाकी मैं आपको मजदूर नहीं ले जाने दूंगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये तमाम बंधुआ मजदूर जो यहाँ पर खड़े हैं ये लोग बेगारी करते हैं, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। साथ साथ में ही इन लोगों ने बंधुआ मजदूरी की है, नॉमिनल वेज पे काम किया है। ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का घोर उल्लंघन है, साथ में ही आईपीसी की धारा 370 का उल्लंघन है जिससे कि इनको मानव तस्करी का शिकार किया। क्या आने वाले समय में जिला ऊना में ऐसी और रेड्स की जाएंगी? देखिए अभी ये हमें मामला प्रकाश में आया है, मैं लगभग एक वर्ष पहले भी ऊना के अर्की में सोलन डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू किया था, वहां से निकाले थे कुछ पश्चिम बंगाल के मजदूर थे। अब जब मामला प्रकाश में आया है तो मैं यहाँ के मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, जहां जहां हिमाचल में इस प्रकार के मामले निकल के आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक विजिलेंस कमेटी का प्रोविजन होता है, कानून में प्रोविजन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा पावर है और वो यहां सर्वे के लिए सरकार इनको पैसा दे रही है, उस पैसे का सदुपयोग करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करें जो जो अफेक्टेड जोन है उन अफेक्टेड जोन में से इन बंधुआ मजदूरों को मानव तस्करी छुड़वाया गया है। क्या पूरा मामला है और जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की मदद जो है वो इनकी की गई? हमारी एक दिल्ली की स्वयं सेवी संस्था है जिनके चार्ज मिस्टर निर्मल गुराना है, उन्हें हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि जिला ऊना में विभिन्न स्थानों के ऊपर बंधुआ मजदूरी का काम जो है चला हुआ है। तो हमने एक टीम गठित की जिसमें नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग और साथ में हमारे लेबर इंस्पेक्टर, उन्होंने उनके साथ सहयोग किया, जाकर देखा तो विभिन्न स्थानों के ऊपर 12 बंधुआ मजदूर हैं जो पाए गए हैं, उनको छुड़वा लिया गया और आगामी कार्रवाई कर रहे हैं भी नियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। हम उनको सर ये तो जिस तरह से एक संस्था ने आपको बताया कि इस तरह से बंधुआ मजदूरी यहाँ पर हो रही है तो उनको छुड़वाया गया है, तो क्या अपने स्तर पर भी प्रशासन आगे इस तरह की कोई मुहिम चलाएगा कि जो बंधुआ मजदूर हैं उनको छुड़ाया जाए? बिल्कुल, पहले हम ईंट भट्टा वगैरह में जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके ऊपर ध्यान हमारा केंद्रित था। ये बात भी खुद के सामने आएगी, जो इलाके के पोल्ट्री फार्म हैं, पोर्टल व्यवसायी हैं और बाकी जो संस्थान है उसमें भी बंधुआ मजदूरी जो है वो हो सकती है। तो एक टीम जो गठित करेंगे और हम एक विजिलेंट जो कमेटी गठित की हुई है वो दबिश देती रहेगी ताकि ये एक भी केस आगामी समय में हमारी जो है वो पकड़ में आएगा तो हम कार्रवाई कर सकें।